अज्ञात बदमाशों ने देर रात कामा कस्बे के कोसी चौराहे पर स्थित एसबीआई बैंक के एटीएम बूथ के पीछे से सुरंग खोदकर प्रवेश किया और एटीएम को काट कर ले जाने का प्रयास किया गया। घटना के दौरान पूरी स्थिति एसबीआई बैंक के सुपरवाइजर के पास वार्निंग अलार्म बजने के बाद एसबीआई प्रशासन को लगी। उसके बाद कामा थाना पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुँचते ही अज्ञात बदमाशों द्वारा खोदी गई सुरंग देख अचंभित रह गए। बदमाश सुरंग के रास्ते से वापस निकलकर फरार हो लिए। जाते जाते एटीएम बूथ में लगे एक दो सीसीटीवी कैमरों को भी उखाड़ कर ले गए। एटीएम बूथ के गार्ड दिगंबर ने बताया कि देर रात घटना के दौरान पूना से सुपरवाइजर का फोन आया कि एटीएम को काट कर ले जा रहे हैं। सुपरवाइजर ने कामा थाना पुलिस को सूचना दी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस आने की भनक लगते ही एटीएम काटने का प्रयास कर रहे बदमाश मौके से भाग निकले। गार्ड ने बताया कि एटीएम काटने से पूर्व बदमाशों ने बूथ में लगे सीसीटीवी कैमरों पर स्प्रे लगा दिया था, जिससे घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद ना हो। फिलहाल कामा पुलिस बदमाशों की छानबीन में जुट गई है। जल्द ही उन्हें पकड़कर गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। इसमें दो गार्डों की ड्यूटी है, एक गार्ड की 6 से 2 और एक गार्ड की 2 से 10। रात वाला गार्ड अपनी ड्यूटी पूरी कर करके तारा लगा करके चला गया। पीछे से चोरों ने जमीन खोद करके जैक के द्वारा फर्श को तोड़ा, उसके अंदर से घुस गए। फिर सभी एटीएम के जो तार वार थे वो सभी तार काट दिए और तार काट करके फिर मशीन पर उन्होंने जैसे कटर चलाना चालू किया, लेकिन कैश वैश तो कहीं गया नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन बाकी सब कैमरों से छेड़छाड़ किए क्या? हाँ, कैमरा पे स्प्रे मारी है। कैमरा, दो कैमरा ले भी गए हैं वो साथ में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिगंबर है।